दोस्तों, अगर आपने दुमका जिला से चौकीदार भर्ती का आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों ने आवेदन किया था उनका एक यहाँ पे लिस्ट जारी हुआ है जिसमें कई सारे स्टूडेंट का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने का कारण क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसे दोस्तों आप यहाँ पे अपना दावा को पेश कर सकते हैं, इसका सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुमका जिला के जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया हूँ। ये पीडीएफ 227 पेजेस का है, इसमें सभी स्टूडेंट का नाम इंक्लूड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम को यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आके सर्च करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नाम को यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने एक नाम चंदन सर्च किया, चंदन नाम के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। आप अपना नाम, फादर्स नेम और आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख लेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे कई सारा अभ्यर्थी का रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है, तो निवासी प्रमाण पत्र ये 2019 के पहले का है, इस कारण से इसका फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों कई सारा यहाँ पे रीजन होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कॉलम में आप देखेंगे तो अभियुक्ति, आपत्ति, कारण वन, कारण टू, ये कारण वन, कारण टू, ये सब में किस कारण से रिजेक्ट किया गया है उसका यहाँ पे कारण लिखा हुआ रहता है। ये लिस्ट में दोस्तों टोटल जो है 36 कॉलम है। तो दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का कॉलम में जो मिलेगा आपका जो आचरण यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 माह का यदि पहले का होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ आचरण प्रमाण पत्र 6 माह के पूर्व होने के कारण इसका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे इसका किया गया है। दूसरा दोस्तों, आचरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, कोई स्टूडेंट जो है वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट को दिया ही नहीं है, उसके कारण से उसका रिजेक्ट किया गया है। इसी टाइप से दोस्तों कई सारे स्टूडेंट का अनेकों रीजन्स के कारण यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा दोस्तों ओल्ड सर्टिफिकेट जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ये सब जो दिया गया है वो दोस्तों 4 साल 5 साल पहले का दे दिया गया है, ओल्ड सर्टिफिकेट दिया है, इस वजह से यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपके पास क्या उपाय है इसको सुधार करने का, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने दूसरा नोटिस को डाउनलोड कर लिया हूँ और इसमें लिखा गया है दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार पद के लिए सीधी एवं बैकलॉग भर्ती दावा आपत्ति हेतु सूचना, आवश्यक सूचना। दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार पद के लिए सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन प्राप्त किए गए। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु अब तक प्राप्त आवेदन की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रकाशित सूची में यदि किसी आवेदक को दावा आपत्ति हो तो वो दिनांक 12/9/2024 से 21/9/2024 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अवकाश यानी छुट्टी के भी दिन लिखित रूप से अपना दावा वो आपत्ति कर सकते हैं। और आपको करना है वांछित कागजात सहित करना है, यानी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए, वो भी सही में, तभी आपका दावा यहाँ पे चल सकता है, अन्यथा फिर से आपका फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समरणालय भवन, ये दोस्तों आपको कैसे दावा करना है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। समरणालय भवन दुमका के सी ब्लॉक के प्रथम तला पहुंचकर हाथों हाथ अथवा ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसमें आपको मेल कर सकते हैं, इसके भी द्वारा आपका दावा को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा दोस्तों सबसे अच्छा जो रहेगा वो आप वहाँ पे जाके हाथों हाथ यहाँ पे दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्त ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।